आज रोज सोमवती अमावस्या ने अनुलक्षीन तीर्थ क्षेत्र चानोद कन्नारी खाते विधि विधान नब्दा स्नान सहित देव दर्शन अर्थे मोटी संख्या में श्रद्धालुओं पधारी धन्यता अनुभवी हती। हिंदू धर्म में अमासनो खास महत्व छे अने एमां पण सोमवती अमासनो महात्म्य अनेक गणो वधी जाय छे। आज रोज फागण वद अमास अने सोमवारनो संयोग रचायो होय आ अवसरे शिवजीनी पूजा आराधना साथे ज स्नान दान तेमज पितृश्राद्ध पितृतर्पण पिंडदान कालसर्प दोष जेवा कार्यों में जोड़ाई भाविकोए पितृओनी मोक्षनी कामना साथे पाप दोषोमांथी मुक्ति अनुभवती करी हती। अमासनी तिथिए तीर्थ क्षेत्र करनारी ना श्री कुबेर भंडारी महादेवजीना दर्शनों लाभ विशेष फलदायी होवाथी रेग्युलर अमास भरनारा तेमज सोमवती अमासना महिमाने अनुलक्षी कुबेरदादाना दर्शनार्थे विविध प्रांतमांथी शिवभक्तो उमटी पड्या हता। प्रति अमासनी सरखामणीमां आजे सोमवती अमासने अनुलक्षी शिवभक्तोनी संख्या बमणी जोवा मळी हती। गरमीना वातावरणने ध्यानमां राखी मंदिर ट्रस्ट द्वारा नदी किनारा सहित ना स्थळोए छांयडो आपता पड़दा लगावी ठेर ठेर ठंडा पाणीनी व्यवस्था आकस्मिक घटना सर्जाय तो डॉक्टर साथे एम्ब्युलेंसनी सुविधा तेमज तमाम श्रद्धालुओ माटे भंडाराना महाप्रसादनी सुंदर आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आज रोज वर्ष 2024 प्रथम सूर्यग्रहण भारतमां देखावानुं न होवाथी श्रद्धालुओ नर्मदा स्नान विधि विधान सहित कुबेर भंडारी महादेवजीना दर्शनों लाभ लीधो हतो। विजय बारोट ZSTV डभोई। जय कुबेर जय महाकाली माँ। आज सोमावती अमावस्या है। वैसे तो भगवान शंकर का दिन सोमवार का दिन माना ही जाता है, लेकिन अमावस्या होने की वजह से आज का जो अमावस है इसको बड़ी अमावस के रूप में मानते हैं, जो विशेष अमावस के रूप में माना जाता है। आज कुबेर भंडारी मंदिर में जैसे हर अमावस में जितने भीड़ होती थी यहाँ पर, उससे भी कई गुना ज़्यादा भीड़ आज देखने को मिल रहा है। इतना भीड़ होने के बावजूद भी जितने भी भक्तजन आ रहे हैं शांतिपूर्वक लाइन में लग कर के व्यवस्थित दर्शन कर रहे हैं, और जितने भी भक्तगण आ रहे हैं मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, पूरे गुजरात से बहुत सारे भक्तजन आए हैं और नर्मदा जी का स्नान भी कर रहे हैं, और यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी की गई है सरकार के द्वारा या ट्रस्टियों के ट्रस्ट मंडल के द्वारा। हॉस्पिटल की भी व्यवस्था की गई है जिसमें किसी को भी कोई भी तकलीफ होता है तो उसमें उनका इलाज हो सके। और सभी भक्तों से आग्रह करता हूँ कि नर्मदा जी में स्नान करें तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दें, माँ नर्मदा को शुद्ध और सात्विक रखें। जय कुबेर जय महाकाली माँ।